हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन जो कि क्लास 10 है। क्लास 10th का जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उसका मैं आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ आएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगी, ठीक है। और थैंक यू आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। अपनी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहोगे तो मैं इसी तरीके से और इजी वे में आपको वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि जब आप वीडियोस देखते हो तो मन करता है हाँ और वीडियोस ऐसी बनाई जाए जो कि सबको हेल्प करती है। और बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करो, एक कमेंट तो कर ही दिया करो जिससे ये लगता है कि हाँ चलो आपने देखा और आपको अच्छा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छी लगी, तो मेरा भी मन करता है कि और अच्छी बनाने की कोशिश करूं, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। इसमें मैं आपको ये सॉल्यूशन कराता हूं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या कराया आपको, मैंने आपको कराया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि किसी भी दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को फ्री कर लो, आप जिस मर्जी को फ्री करो, आपको जो इजी लगे आप उसको फ्री कर लो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, इसका पहला पार्ट ले लेता हूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसा कि आपको नजर ही आ रहा है क्या कि भाई इक्वेशन बड़ी ही इजी है, आप यहां से फ्री कर लो या यहां से फ्री कर लो, जिस मर्जी से फ्री कर लो, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। मैंने इस इक्वेशन से क्या कर ला, एक्स फ्री कर लिया, तो वाई प्लस में 4 आ गया और इसको मैंने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। क्या करना है बच्चों, आपको पता है कि आपने सेकंड इक्वेशन को फ्री किया है तो आप थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को फ्री किया होता, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स को फ्री किया होता, तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता, ठीक है। आपने जिस इक्वेशन से फ्री किया है उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं कहां पर, इक्वेशन वन में, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 4 प्लस में वाई इज इक्वल टू 14। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2y is equal to 14 minus में 4 कितना हो जाएगा 10, y is equal to कितना आ गया 10 upon 2 यानी 5, आपको y की वैल्यू मिल गई 5। चलिए अब क्या करना है आपको, अब करना है put the value of y in equation, कौन सी इक्वेशन में डालना चाहते हो आप, थर्ड में डालो, सबसे बेस्ट है क्या, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो y की वैल्यू कितनी है 5 प्लस कितनी है 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, तो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, क्या x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। आपने सॉल्यूशन निकाला, अपनी संतुष्टि के लिए क्या करो कि बाई चांस ऐसा होता है कभी कभी सॉल्यूशन निकाला हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, आंसर गलत आया, तो क्या करो आप इन वैल्यूज को यहां डाल के देख लो भाई, इस इक्वेशन में देखो आप x की वैल्यू 9 प्लस में y की वैल्यू 5 कितना हो गया 14 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल ठीक निकाला। चलिए यहां चेक कर लिया आपने, यहां भी चेक कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्या 9 माइनस 5 कितना 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को देख के डरना नहीं है, इस फॉर्म को देख के डरना नहीं है, सिंपल आप इसका एलसीएम लो, आपका इक्वेशन वही बनेगा। चलिए मैं करता हूं सेकेंड क्वेश्चन, क्या है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है और दूसरी तरफ इक्वेशन आपकी है एस बाय 2 प्लस टी बाय एस बाय 3 है बच्चों और टी बाय 2 इज इक्वल टू 6 है। एलसीएम लोगे इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस में 3 टाइम्स ऑफ टी अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन आपके पास पहले से है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36 बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को नाम फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो, ये आपकी मर्जी है बच्चों, सुनना ना।
देखो इस इक्वेशन को फर्स्ट दो चाहे इसको फर्स्ट नाम दो, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी दे सकते हो। यहां से मैं एस फ्री कर लेता हूं, तो एस कितना आएगा, एस आएगा टी प्लस थ्री। अरे हाँ बच्चों, चलिए ये आपका थ्री हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, कोई सेम स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट आपको खुद लिख लो बेटर है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब आपको इसको कहां पुट करना है, आप इसको यहां पुट कर दो, टू टाइम्स टी प्लस थ्री प्लस में थ्री टी इज इक्वल टू 36 है। वैल्यू क्या देगी, टू टी प्लस में सिक्स प्लस में थ्री टी इज इक्वल टू 36। बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 5t इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 30 हो गया। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन में 5 डिवाइड कर दो, कितना आया 6 आ गया। तो t की वैल्यू आपको क्या मिलगी, 6। अब इस वैल्यू को आप यहां रखो, इस वैल्यू को यहां रखो, यहां रखने से भी आपका आंसर आ जाएगा, पर क्या कोशिश ये रखो कि इजीली आपको मिल जाए। यहां पर टी वैल्यू रखते ही आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी, तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 9। आराम से वैल्यू आ गई, यानी आपकी टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू देखो 6 है और एस की वैल्यू कितनी है, 9। आप चेक कर सकते हो, क्या चेक करो, या देखो एस माइनस टी इज इक्वल टू 6 3 होना चाहिए, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से क्या करो आप आंसर निकालो, और हमें आंसर तो पता होता नहीं है, बट हम ये कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू यहां डाल के देख लें, अगर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को तो हमारी सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे देखो आपने जैसे उन दोनों का क्वेश्चन किया, ये आप आराम से कर लोगे, ये मैं अब नहीं करा रही, ये आप खुद करोगे, ठीक है। फ्री क्या करना है, आप यहाँ देखो, यहाँ वाई आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, फ्री है, यहाँ पर क्या है, क्या है, वाई आपको फ्री हो जाएगा यहां से। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि एक्स आप यहां से फ्री करो, एक्स यहां कोई जरूरत नहीं है, आपको वाई नजर आ रहा है फ्री, आप यहां से वाई फ्री करो, सबसे ईजी है और आराम से फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अगर बच्चों आप ध्यान दो तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पॉइंट लगा हुआ, यहां भी पॉइंट लगा हुआ, यहां भी पॉइंट लगा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बोथ साइड बाय 10, आप दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन में कर दो, क्या होगा, इसको जब 10 से करोगे आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी बच्चों। अब क्या करना है आपको, अब वही काम करना है जो मैंने पहले बताया, वो काम अब करना है। क्या करोगे, यहां से फ्री कर लो, आप ये करो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि मैं इसी में से x फ्री कर रहा हूं, मैं इसी में से y भी फ्री कर सकता हूं, मैं इसका भी x फ्री कर सकता हूं, मैं इसका भी y फ्री कर सकता हूं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर इक्वेशन को उठाओगे, आप जिस मर्जी इक्वेशन से उठाओ, ठीक है। चलिए यहां से मैंने फ्री कर लिया, अब इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं, तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, 4x की वैल्यू जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, मल्टीप्लाई कर दो। देखो वैसे तो आप इससे कट भी कर सकते हो, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना, बट अगर आप कंफ्यूज होना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी कर लो, अदरवाइज ये कट भी हो रहा है, आप कट कर सकते हो, ठीक है। कब कट नहीं कर सकते, जब आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, मान लो आपके पास ऐसा लिखा है 2 प्लस में x, अब इस केस में इसको कट नहीं कर सकते, है ना, आप डिवाइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि एडिशन में कुछ ना कुछ है, इसीलिए मैं अब इसको मैं इससे भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमन कुछ नजर नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, मैं इस चीज को भूल जाता हूँ कि आपको ये चीज पता होगी, तो मैं सी अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा 52 माइनस 12y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो आप हमेशा यही तो करते हो, कॉमन लेके डिवाइड कर देते हो, पहले ही कॉमन नजर आ रहा था, है ना, तो आप पहले भी डिवाइड कर सकते थे, सबसे बढ़िया था, बट अगर नहीं किया कोई बात नहीं, भूल जाते हैं इस चीज को, एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 10y अपॉन में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 23 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए
अब इस 2 को इधर भेजते हैं और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 52 माइनस में 2y इज इक्वल टू ये जाएगा 46, इसको इधर कितना हो जाएगा 52 माइनस 46 इज इक्वल टू 2y, इसको माइनस करो कितना आया, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 6 यानी 6 आया, 4 बस 6 बच गया आपका, ये 2y हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, आपके पास y की वैल्यू आ गई 3, बिल्कुल आसान। अब इस y की वैल्यू को यहां रख दो, इस y की वैल्यू को यहां रख दो, अगर आप यहां सॉल्व करते हो तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करके मैं यहां लिखता हूं क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 और इसकी वैल्यू कितनी है देखो बच्चों 3, तो 13 माइनस में 3 इंटू 3 9 अपॉन में 2 कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 2, ये आ गया 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है बच्चों। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप वैल्यू डाल के देख लो यहाँ पे, आंसर आपका बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जितना आपको मुश्किल नजर आ रहा है ठीक है इतना मुश्किल है नहीं, इसका आंसर सबसे इजी है, 0-0 आंसर है। चलिए इसको क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको लिखा है कि रूट टू एक्स प्लस में रूट थ्री वाई, आपको ये देख के नहीं घबराना है कि इसके पास रूट आ गया तो ये मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मैंने बोला है आप वो चीज फॉलो करते रहो, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए इसको आप फ्री करो, क्या फ्री करोगे, एक्स फ्री कर लो सबसे बढ़िया है, क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 8 रूट वाई और एक्स इज इक्वल टू रूट 8 अपॉन में रूट 3 वाई, ये आपकी इक्वेशन होगी थर्ड, और इस थर्ड इक्वेशन को पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है बच्चों। चलिए तो रूट टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 8 अपॉन में रूट 3 वाई प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें मैं इसको लिख सकता हूं रूट 18 और रूट 16, इसको टू रूट टू इंटू में देखो नाइन्थ क्लास लगेगी हमें यहां पर, ये क्या होगा 16 और ऊपर रूट आ जाएगा, जब रूट आए तो क्या होता है 4 हो जाता है, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 4y अपॉन में, मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं 4y अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0, कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसमें से कॉमन लोगे क्या कॉमन आ रहा है वाई कॉमन आ रहा है, इधर देखो बच्चों इसमें से कॉमन आया वाई तो क्या बच गया आपका 4 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो अगर इस पूरी टर्म को मैं इधर भेज देता हूं ठीक है, इस पूरी टर्म को चाहे आप एलसीएम लो या ना लो ये आपके ऊपर है, यहां से आगे आप एलसीएम लेते हो, आप एलसीएम लेते हो ले लो, नहीं लेते हो छोड़ दो, ये कितना होगा y इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि जो भी टर्म यहां से जाएगी इधर चाहे डिवाइड में जाए चाहे मल्टीप्लीकेशन में ना 0 हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0, आपने यहां पे फ्री किया x की जगह रख दो, क्या रख दो रूट 8 अपॉन में रूट 3 इंटू में 0 कितना हो गया बच्चों ये भी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0 0, बहुत ही सिंपल था। चलिए लास्ट क्वेश्चन हो रहा है उसमें बस कैलकुलेशन है ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, मैं आपको इसकी इक्वेशन इस तरीके से बना देता हूं जिससे आपको आसानी, देखो इसमें आपको ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, वही सिंपल बेसिक चीजें हैं, अगर आपको बेसिक चीजें याद रहती हैं तो सबसे बढ़िया है ठीक है, और नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करो आपको सब याद रहेगा ठीक है। ये इक्वेशन है, पहले एक इक्वेशन को लेता हूं, आप यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस 2, ये बन जाएगा 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस 12, आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया ठीक है। दूसरी इक्वेशन को अगर आप देखो, इस इक्वेशन को देखोगे तो एलसीएम 3 ही आएगा ठीक है, तो उसको क्या लिखूंगा x प्लस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, क्या कर दो ये खत्म हो गया 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ठीक है बच्चों। अब ये सेकेंड इक्वेशन बन गई है, दोनों इक्वेशन अब आपको अच्छे से पता है कि किसको फ्री करना है किसको नहीं फ्री करना है, ये आपकी इच्छा है, फ्री करो वैल्यू डालो ठीक
ठीक है, आप चाहते तो यहीं से भी फ्री कर सकते थे, आप चाहते तो यहाँ भी फ्री कर सकते थे। अब मैंने इक्वेशन आपको बना दी है ऐसे, अब जैसे आप चाहो वैसे फ्री करो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि सॉल्व दिस एंड दिस, यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आप, और सॉल्व करने पे जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। यानी एक्स और वाई की वैल्यू यहां रख देते हैं तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, वो भी माइनस का। अच्छा बच्चों एक चीज है कि मैंने आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन सिखाया है इसलिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, बट एक और जो एलिमिनेशन मेथड है जो उसके बाद में कराऊंगा आपको, उस मेथड से ये दो स्टेप में आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें तो भाई क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहां से फ्री कर लो, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y माइनस में 24, क्योंकि ये प्लस का था वो जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था वो जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस की माइनस रहेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस में 24 अपॉन में 2 हो जाएगी। इसको आप नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। देखो एक तरीका है ना, आंसर तो हर बच्चा निकालता है, पर एक तरीके से अगर आप लिखोगे ना आंसर को, टीचर को भी अच्छा लगेगा, उसको नंबर देने में भी आपको उसको खुशी होगी टीचर को कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छा लिखा है, आप नंबर दे दो। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, अब इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को पुट करोगे कहाँ, इस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको पुट करके दिखाता हूं। तो कितना आएगा 2, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 4y माइनस में 24 अपॉन में 2, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है देखो, उसके बाद में प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। चलिए सॉल्व करते हैं, देखो 2 से 2 चला गया, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है ना, मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया कि 4 कट हो सकता था बट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं यहाँ कट हो रहा है कट कर दो। ठीक है, तो 4y माइनस में 24 प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, यहाँ चेक करते हैं कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 7y, इसको उधर भेजो कितना हो गया 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 35 अपॉन में 7 5, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 5। अब इस वैल्यू को यहां रख दो, क्या होगा x इज इक्वल टू 4 इंटू में 5 माइनस में 24 अपॉन में 2, कितना हो गया बच्चों, ये आ जाएगा 20 माइनस में 24 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आपका कितना हो गया माइनस 4/2, यानी x की वैल्यू जो आई है वो आई है माइनस 2। x की वैल्यू क्या आई है माइनस 2, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 2। अब सबसे पहले चेक कर लो, आप क्या चेक करो इसके अंदर डाल के देख लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो मतलब सॉल्यूशन है। चलो चेक करते हैं भाई 11, ये देखो आप यहाँ क्वेश्चन देखो, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, x की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो 2 इंटू में माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4, और 3 इंटू में 5 15 हो जाएगा, आप ऐड करो 11 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी मतलब आपके सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसमें आपको इस वैल्यू में पुट कर देना है, यानी आपके पास क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, x और y की वैल्यू रख दो, यानी 5 इज इक्वल टू एम इंटू में माइनस 2 प्लस में 3, इसको उधर भेज दो तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एम माइनस 2m, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस 2m। अगर आप ध्यान से देखो तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस 1, ये आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही ईजी था। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हमारा जो इसको मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाने वाला हूँ, इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है उनकी भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, पर इससे पहले आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो इसका सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, तो ये आपकी इच्छा है कि आपके दोस्त फ्रेंड्स वगैरह को भी ये पता चल जाए कि सॉल्यूशन कितने इजी है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ, गुड बाय बच्चों।